बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। रब इशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आपने ज़िंदगी में हमेशा देखा होगा कि जब भी अगर मैं कोई हल्की सी बात कह दूँ या सातवीं हदीस की किताब में से मैं कोई जिक्र कर दूँ तो उस पर हमेशा ये कमेंट आएगा या पूछने वाला ज़रूर पूछेगा कि जनाब इस बात को साबित करें कि ये कैसे साबित होती है। बड़ा मुश्किल होता है कि इंसान ऐसी बात करे जिसकी अथॉरिटी जो है वो हमारे तमाम लोग जो हैं, तमाम मसालिक के लोग जो हैं वो खसूसी तौर पे जो है वो मान लें, मुमी तौर पे नहीं खसूसी तौर पे मान लें। लेकिन कमाल बात है कि आप गौर कीजिएगा कि आप जितना मर्ज़ी जिस मर्ज़ी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं, आपको कभी किसी मसलक के नाम से कोई कारोबार नज़र नहीं आएगा। आपको कभी कोई ऐसी मिल नहीं नज़र आएगी जिस पे लिखा हो कि यह अहले तशय्यों की मिल है, ये आटा मिल जो है ये वहाबियों की है, या ये करियाना का स्टोर जो है ये देवबंदियों का। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? वो स्टोर का नाम हमेशा मोहम्मदी होगा या बिस्मिल्लाह होगा, न्यूट्रल किस्म के नाम होंगे। बड़ा तजिया करने के बाद मुझे नहीं पता है सही है बात या गलत है बात, जहाँ पे भी कारोबार आए वहाँ पे हम दीन को कभी शामिल नहीं करते। और ये भी बात सच है कि दीन को कारोबार बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। मेरा फ़ैसला नहीं है, मेरी सिर्फ राय है। फ़ैसला आप लोगों ने करना होता है कि आपके रूहानी मसाइल जो है क्या वाकई वो रूहानी मसाइल हैं, क्या इन चीज़ों का ताल्लुक़ वाकई शरीयत से है या नहीं। बहरहाल जो दलीलें हैं वो दोनों अतराफ़ में बराबर की मिलती हैं। आज बात सिर्फ एक मौजू पर करना चाहेंगे कि जनाब तावीज़ है क्या चीज़। हमारे साथ कराची में इंशाल्लाह ताला परवीन निज़ामी साहब आएंगी, लाहौर में हमारे साथ जनाब दाऊद जी दाऊद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपसे अभी बात करता हूँ सर। अली सैयद अली जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप? शुक्र अल्लाह। और जनाब हमारे साथ महमूद अहमद चिश्ती साहब, चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, खैरियत से आप? हुज़ूर अक़दस, आपसे अगर बात शुरू की जाए तो ये जिसको हम तावीज़ कहते हैं ये कहाँ से आया है तावीज़, ये चीज़ क्या है? बिलाल भाई, तवीज़ को अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें कि जी तवीज़ का फ़ायदा क्या है, नुकसान, वो तो एक अलग है। तवीज़ बेसिकली जिस तरह कुरान पाक की आयात होती हैं, जैसे ही हमें नीचे कोई कुरान पाक की आयात या कागज़ गिरा हुआ नज़र आए तो हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं कि वो नेक और मुतबरक चीज़ है। इसी तरह तौर पर जब आप आयत कहते हैं ना कि कुरान की आयत है, तो कुरान की आयत से मुराद है कुरान की में अल्लाह की दी हुई निशानी। निशानी तो अब अल्लाह की निशानी अगर कहीं बेअदबी हो रही होगी तो हम उसका अदब करेंगे। अदब करें तावीज़ क्या है? तावीज़ जो है वो कुरान की आयात या अदाद की शक्ल में इसको अपने पास रखना या पहनना। शक्ल में इसका मतलब? अदाद की देखें, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम नापाकी और पाकी की हालत में, कई दफ़ा हम पाकी की हालत में होते हैं, कई दफ़ा हम नापाकी की हालत में होते हैं। नापाकी की हालत में कुरान की आयात को नहीं पास रखा जाता, तो हम कोशिश करते हैं कि उन जो कुरान की आयात हैं उनका इल्म जफ़र से अदाद निकाल लेते हैं। इल्म जफ़र हज़रत इमाम जफ़र सादिक़ का इल्म है और उसमें ये तरतीब है, अबजद हवज हती किलमन साफज करश सखज अजग, ये एक तरतीब है। उसमें आतशी आबी खाकी और आबी बरूज होते हैं, वहाँ से उसकी ख़ास तरकीब से वो बनाया जाता है, मरकब में तवीज़ बनाया जाता है। और वो तवीज़ बेसिकली रूहानी मामलात को हल करने के लिए होता है। जब इंसान पहनता उसे, उसे हमने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि उसका फ़ायदा होता है, इसलिए बुज़ुर्गों से तजर्बे की रूह से उसका फ़ायदा होता है, इसलिए हमने इसकी तरफ जो है वो तवज्जो मबजूल करवाई है। बाज़ का तवीज़, जिस तरह आपका क्वेश्चन के है क्या, तो तवीज़ फ़ायदा भी देता है, तवीज़ से नुकसान भी होता है। साहब आपकी तरफ अगर तो मैं पहले एक जो राय है वो पेश फरमा दूँ आपको, और ये बड़े अदब के साथ मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम आमतौर पर कहते हैं कि मामे जाफ़िर सादिक़ के साथ इन चीज़ों का ताल्लुक है। दूर दूर तक मामे जाफ़िर सादिक़ का इन चीज़ों कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ये इंडियन माइथोलॉजी जिसे हवा पानी मट्टी हवा का या आग पानी मट्टी हवा का जो कॉन्सेप्ट है, इसका इस्लाम से ना ताल्लुक़ है, ना इस्लाम में अल्लाह ताला ने अपने इमामों को ये तालीम दी कि वो इस चीज़ को तावीज़ों में तरतीब दें। ये हमने बाद के माहौल में इमाम जाफ़िर के साथ मंसूब किया है, जिसकी के मैं ज़ाती तौर पर इल्मी माजरत अहले तशय्यु भाइयों से करता हूँ, इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो राय जो है हमारे मेहमान की वो अपनी राय है। हुज़ूर अक़दस, तावीज़ कहते किसको हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तावीज़ तावुज़ से निकला है जिसका मतलब होता है पनाह। पनाह, पनाह किसी बीमारी से। ये अरबी लफ्ज़ है, तावुज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, उसी से ये निकला है। उसमें तफरीक अरबी लुगत में तावीज़ और तमाइम में की जाती है। लेकिन अब हम बात करें तावीज़,
پناہ کیوں مشکل سے، مصیبت سے، آنے والی پریشانی سے اللہ کی پناہ میں چلے جانا، کسی خاص اسماء کی برکت سے، خاص دعاؤں کی برکت سے، خاص اگر میں تقوی کی نسبت سے پناہ خداوند میں جاؤں تو کیا وہ بھی تعویذ ہوگا؟ وہ بھی تعویذ کی ایک قسم ہے، پناہ کی ایک قسم ہے، پناہ کی بہت ساری اقسام میں درست ایک قسم وہ بھی ہے کہ آپ دعاؤں سے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اس کی پہلی دلیل کیا ہے؟ جناب عمر بن اشعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچوں کے گلوں میں ایک دعا لٹکایا کرتے تھے جو کہ سنن ابی داؤد، کتاب الطب اور باب الرقا کے اندر موجود ہے۔ وہ اللہ کے نبی اسی دعا سے جناب امام حسنین کریمین کو دم بھی کیا کرتے تھے، اللہم رب الناس عذب الباس۔ دم کرنا بھی تعویذ ہے، دم کرنا بھی اللہ کی پناہ میں آنا ہے، ٹھیک، تعویذ نہیں، پناہ میں آنا۔ اب ذرا اگر پناہ ہی تعویذ ہے تو پناہ کیوں نہیں کہیں گے؟ اب ذرا سن لیجیے، جی جی، تو اللہم رب الناس عذب الباس وشفی ہی وانت شافی لا شفا الا شفاؤک شفا لا یغادر سقما۔ جو لوگ خود سے نہیں سکتے تھے، بالخصوص بچے، عمر بن اشعت بذات خود لکھ کر ان کے گلوں میں لٹکا دیا کرتے تھے، ٹھیک۔ تو اس یہ جو تعویذ کی پہلی دلیل، لکھ نہیں سکتے یا پڑھ نہیں سکتے، جو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے اور جو ذاتی طور پر لکھ بھی نہیں سکتے تھے، دونوں کام نہیں کر سکتے تھے، تو یہ ہے پہلی دلیل تعویذ، ٹھیک۔ اب رہا سوال کہ جی اس سے پناہ میں، دیکھیں کسی کے پاس برکت کی نیت سے کوئی قرآن کی آیت خاص مقصد کے لیے، کیونکہ قرآن بذات خود سارے کا سارا شفا بھی، ہدایت بھی، رحمت بھی، برکت بھی ہے، لیکن خاص مقصد کے لیے خاص چیز کو اگر آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو وہ پہلا شرعی تعویذ ہوگا شریعت کے مطابق، ٹھیک۔ نہ کہیں یہاں پہ بحث ہے، تعویذ ہوگا، آپ ایسے کریں، کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ کا قول بھی ہے کہ جو تمائم بالقرآن، اور حسن بصری کا بھی ہے کہ قرآن کے تمائم ان تمائم میں شامل نہیں ہوتے جو تمائم شرک ہیں، یعنی شرکیہ تعویذ ہیں، قرآنی آیت کبھی شرک نہیں ہوتی، بے شک۔ اور اب اس کے اندر پھر ترتیب دی گئی ہے مختلف، جو ابھی داؤد بھائی کہہ رہے تھے کہ جی اس میں علم جفر جو کہ ابن حرہ عرب کا عامل تھا اس نے کیا، ٹھیک ہے، یہ حرہ نے بھی آگے سے لیا، آگے سے لیا، وہ گریک سے چلتا ہوا آ رہا تھا ابن حرہ نے، وہ پھر اس کے اعداد، پھر اس کی ساعات، پھر اس کے کلمات، پھر اس کے حروف، پھر حروف کی تدوین اور تقسیم، یہ سب مل کر ایک تعویذ بناتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اگر قرآن حکیم میں مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 میں نمبر لکھ لوں تو کیا 786 کا تقدس بھی وہی ہوگا جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، بہت سے الفاظ کا جو نمبر ہے وہ 786 ہو سکتا ہے، کسی ہندوؤں کے بھگوان کا بھی تو 786 ہو سکتا ہے، کسی عیسائیوں کے جو ہے، تو اس کا مطلب نمبر کے اندر تعویذ نہیں ہو سکتا پھر؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ اگر آپ کتابیں دیکھنا شروع کریں ابو العباس ابن بونی سے لے کر آج کے، سوال بڑا پرٹیکولر ہے چشتی صاحب، آپ نے اسی کا جواب دینا ہے حضور اقدس، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ تقدس نہیں ہے جو 786 کا ہے، تو پھر تعویذ میں جب میں 786 لکھوں گا تو اس کا کیوں تقدس ہے، یا اس کا کیوں تاثر ہے؟ ہاں جی، آگے آپ بہت خوبصورت بات کی، کیونکہ ہم ہر کام کو اس چیز پہ لے کے آتے کہ ہم ہر کام میں نیت کو شامل کرتے ہیں، کہ نیت جو ہے وہ واجب ہے، کسی مقام پر فرض ہے، جس نیت سے لکھا جائے اس نیت کو بڑا عمل دخل ہوتا ہے، کہ نیت کر کے جب آپ تعویذ لکھتے ہیں، فرائض میں فرض ہے نا، نیت کے بغیر نماز نہیں ہے، نیت کرنی ہے، بعض مقامات پر میں نے کیا لکھا ہے، فرض ہے، بعض پہ میں نے حضور اقدس نیت کر لی کہ اس سفید کاغذ کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، نیت کر لی نا، میں نے نیت ہوگی میری تو اس پہ لکھا گیا قرآن، کیا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جی بھائی؟ نہیں، 786 لکھا تو ہے، حضور اقدس آپ نے کہا اس کے پیچھے نیت کی بات ہے، تو اگر میں نے نیت کر لی کہ قرآن اس پہ لکھا ہے تو نیت تو ہے نا، سچی نیت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے الف ڈال دیا، میں نے کہا یہ الف قرآن کا ہے، اب وہ الف ابا کا بھی ہو سکتا ہے، وہ الف الف بے کا بھی ہو سکتا ہے، یہی روحانیت ہے جناب، یہی اس کی روحانیت نہیں ہے، اس کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اس چیز کو، اس چیز کو جو ہے نا وہ مٹیریلزم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کہ میں نے سوچ لیا، آپ نے اگر سوچ لیا تو اس میں سچ مچ قرآن بھی ہو سکتا ہے، مٹیریلزم ہو سکتی ہے، کس طرف چلے گئے آپ حضور؟ حضور ایک دس آپ تعویذ لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر، تعویذ میں نے سیکھا ہے لکھنا لیکن میں لکھ کر دیتا نہیں۔ کیوں؟ تو سیکھا کیوں تھا؟ علم ہے، شوق کی خاطر سیکھا تھا، یعنی کہ اگر کوئی انسان مجبور ہو، جیسے یعنی کہ کسی پر سایہ ہو گیا، وہ خود سے کچھ نہیں پڑھ پا رہا، اور یعنی کہ اس کی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ وہ اپنے یعنی کہ کچھ بھی اس پر کوئی کیفیت طاری ہو چکی ہے، تو اس بندے کے لیے ہے۔ تو آپ لکھتے کیوں نہیں دیتے، کیوں نہیں تعویذ؟ آپ کہتے ہیں میں نے سیکھا ہے لیکن میں دیتا نہیں، کیوں؟ ضرورت نہیں ہوتی، میں زیادہ میرا یہ یعنی کہ گائیڈ کرتا ہوں لوگوں کو، جیسے علم پامسٹری سے اور علم نجوم سے، یعنی کہ حالات و واقعات، کیونکہ ایک کوئی بندہ جب آپ نے سیکھا تو آپ نے اس میں کیا سیکھا، تعویذ کو کیا مطلب سیکھا، ٹائپس آف
نہیں نہیں تعویذ کی سب سے پہلے اس کو میں نے سیکھا یہ تعویذ ہے کیا, کیوں لکھا جاتا ہے اور بھی بتائیں. تعویذ ایک دعا ہے, دعا ہے جس کا مطلب یہ ہے, اگر آپ بھی ہے دعا بھی ہے, دعا ہے برابر. یعنی کہ ایک کلمے کو آپ تعویذ کہہ سکتے ہیں اگر وہ پڑھیں گے کسی بزرگ یا استاد کی عطا سے. یعنی کہ اگر وہ آپ کو کہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ آپ پڑھیں, اس سے آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا, تو یہ تعویذ ہے. ٹھیک. اور اگر وہ نہ پڑھ سکے تو اس کو لکھ کر دے دیں نہ, یعنی کہ اگر وہ یعنی کہ اس کی کیفیت نہیں ہے ایسی کہ وہ بیماری کی حالت میں ہے, نجاست یعنی کہ اپنا اٹھ نہیں سکتا, بستر پر پیشاب کر رہا ہے, یا خدا جانے وہ اس کا ذہنی طور پر اس وقت اتنا مضبوط نہیں ہے, آواز باقتا ہے, تو اس کے لیے تعویذ ہے. ٹھیک. اچھا, مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کو اپنی دنیا کا, اپنے ارد گرد کا کوئی احوال کی خبر نہیں ہے تو ہم اس کو تعویذ دیں گے. ٹھیک, ایسے ہی فرما رہے. بالکل. حضور, اقسام ہوتی ہیں تعویذوں کی؟ ہاں جی, سب سے پہلے یہ کہ تعویذ کیا ہے, اور تعویذ یہ کہ تعویذ ایک جسم ہے اور ذکر اس کی روح ہے. تعویذ ایک جسم ہے اور ذکر اس کی روح ہے. ٹھیک. اگر آپ کاغذ پہ کچھ بھی نقش لکھیں گے, اگر بسم اللہ 786 لکھیں گے تو آپ کو 786 مرتبہ بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے, یا 110 بار یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو ہم جب نسبت دیتے ہیں اس کو قرآن سے, ذکر سے, اذکار سے, جب ہم اس کو اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں تو وہ پھر اثر کرتا ہے. ایک اس بات کو یہ رہنے دینا, یہ میں بعد میں بات کروں. یہ بات بڑی اچھی کی کہ اگر آپ نے بسم اللہ 786 نمبر بنتا ہے تو اس کو 786 دفعہ پڑھیں. یہ صحیح یا غلط ہے یہ بحث نہیں ہے, لیکن جتنے نمبرز بنتے ہیں اگر اس دفعہ کریں گے تو وہ چلہ آپ کا ہو گیا. ایسی بات کرتا ہے پروین نظامی. آپ میرے ساتھ ہیں, یہ فرمائیے کہ آپ تعویذ لکھتی ہیں پروین آپا؟ جی, میں لکھتی ہوں تعویذ, اور لیکن بغیر آیتوں کے نہیں لکھتی, آیتیں ضرور ڈالتی ہوں. جو آیتوں کے علاوہ اور کیا ڈالتی ہیں؟ جیسے یحبونا کو حب اللہ والذین آمنوا اشد حب للہ, یہ محبت کی آیت ہے سورہ بقرہ میں 165 نمبر. تو اس کے لیے پھر ہم یہ اس آیت کو بھی لکھیں گے اور اس کے ہنسوں کو بھی لکھیں گے, اس کا تعویذ بھی بنائیں گے. دونوں کو کیوں لکھیں گے؟ ہنسے لکھنے کیوں ضروری ہوں گے پروین آپا؟ کیونکہ وہ جو حساب دانی ہے نا, حساب جیسے 786 کے اندر بسم اللہ آ جاتی ہے, اسی طرح ہنسے بھی آ جاتے ہیں اسی عربی کے. نہیں تو مطلب آپ فرما, مطلب وہ جو آیت آپ نے لکھی ہے اس میں اپنی طاقت نہیں یا اثر یا تاثیر نہیں ہے اس میں کہ نمبرز لکھنے پڑتے ہیں ساتھ؟ نہیں, نمبر بنیں گے تو تعویذ بنے گا نا, ورنہ تو آیتیں پڑھ لو خود ہی اور ان کو پڑھنا پھونک لو. تعویذ بنانے کا مطلب ہی ہنسے ہیں. یعنی کہ قرآن کی آیت لکھ کے کسی گلے کے میں ڈالنا آپ فرما رہی ہیں کہ یہ تعویذ نہیں ہو سکتا جب تک اس میں نمبرز نہ ڈالے جائیں. ہاں, نمبرز نہ ڈالے جائیں, اس کی گنتی کاؤنٹنگ نہیں کری جائے اس کی. اوکے, یہ نمبرز جو ڈالے جا رہے ہیں ان کی کیا تاثیر ہوتی ہے؟ ایک کی, دو کی, تین کی کیا تاثیر ہے؟ بھائی دیکھیں نا, ابجد حوض ہوتی کلیمن صافت قریشت دقت, یہ پوری علیب بیتے ہیں. اب یہ اس کے ہم ہنسے ڈالیں گے تو وہی بنے گا, اور گنتی لکھیں گے تو وہ تعویذ بن جائے گا, عربی اس طرح ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. سعدیہ لاہور سے ہیں. سعدیہ, السلام علیکم بیٹا. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ پتر, حکم. سر میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں, ماشاء اللہ, نہ ہی میرے گھر اولاد ہے. اچھا. اور نہ ہی میرے ہسبینڈ کا رویہ میرے سب ٹھیک ہے. ہسبینڈ کا نام کیا سعدیہ؟ محمد عمران. تو سعدیہ, آپ کے ہاں اولاد بھی نہیں ہے, آپ کے میاں جو ہیں ان کا رویہ بھی آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, محمد عمران کا, تو سوال کیا ہے آپ کا؟ آپ یہ فرمائیے. میرے 3 سال ہو گیا, میرے ہسبینڈ چاہتے ہیں کہ میں, مجھے وہ طلاق دینا چاہ رہے ہیں. اچھا. اور میری کوئی دوست, اور ان کی کوئی آگے سے کوئی دوست ہے, وہ اس معاملے میں انہوں نے کوئی تعویذ وغیرہ شاید کروائی ہیں, کیا حالات بالکل خراب ہو گئے ہیں. اچھا. تو آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سہیلی نے, شوہر کی, میں پتہ نہیں, لو سہیلی کہنا چاہیے, دوست کہنا چاہیے, میری معذرت قبول کریں اس پہ, جاننے والی کہہ لیتے ہیں, وہ جاننے والی نے تعویذ کرائے ہیں آپ کے اوپر, آپ یہ فرما رہی ہیں؟ ہاں جی, یہی اس میں, یعنی کہ کسی سے, جیسے عامل وغیرہ سے پوچھتے ہیں, انہوں نے یہی بتایا ہے کہ کسی نے باندھی ہوئی اولاد. باندھی ہوئی اولاد. تو آپ نے جس عامل سے پوچھا, وہ عامل آپ کو ٹھیک لگتا ہے کہ وہ ٹھیک, اچھا, مطلب سمجھدار آدمی ہے, کہہ سکتے ہیں اب آپ؟ اچھا, وہ عامل جو ہے وہ گائناکولوجسٹ بھی ہے؟ نہیں, گائناکولوجسٹ تو آپ نے کبھی کسی گائناکولوجسٹ سے بھی مشورہ کیا عامل کے علاوہ؟ وہ میرے
हस्बैंड ही मेरे साथ ताउन नहीं करते हैं, मैं मुझे कहीं लेके नहीं, नहीं जाते हस्बैंड ने गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना था, इलाज ही नहीं करवाते, उसने कराना है कि आपने कराना है, उनका भी तो हो सकता है ना, उनको भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने तो अपने तौर पर काफी करवाया अपना इलाज, अपने तौर पे काफी करा। आप इस वक्त अपने शौहर के साथ हैं या अपने माँ बाप की तरफ हैं? मैं अपने माँ बाप के घर हूँ, 3 साल हो गए हैं, मैं बस वो कहते मैंने नहीं रखना, अच्छा बस अब मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे देनी है, मुझे कोई वजीफा भी बताया कि वो उन्हें डाइवोर्स ना दे। मैं दुआगो हूँ बेटा आपके लिए। हज़रत आप पहले इस पर ज़रा तज़िया फरमाइए। देखिए बिलाल भाई, सबसे जो इस वक्त जो बात सारी, इसमें एक बात तो मैं ये समझूंगा कि आमलों ने ये चीज़ का बेड़ा गर्क किया है, अगर किसी का अल्लाह ताला की तरफ से औलाद नहीं है तो सीधा बंदिश है, तवीज़ है, सबसे पहले तो प्रॉपर टेस्ट करवाने चाहिए और मैं इस हक़ में हूँ कि दोनों के टेस्ट हों, मगर रूहानी तरीके से दुआ करके पढ़ाई करके अल्लाह से मदद ली जा सकती है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में शिफा रखी है और इसने बांधा हुआ है शायद, तो वो टेस्ट में कैसे आएगा, बांधा हुआ का कैसे पता चलेगा कि बांधा हुआ है? इस्तखारा भी किया जा सकता है, इस्तखारा से पता चल जाता है कि अगर मेरे मामलात में प्रॉब्लम आ रही है, मैं अल्लाह ताला से 3 दिन का इस्तखारा ये खुद कर लेंगी कि क्यों आ रही है, उस इस्तखारा में इस्तखारा की दुआ भी मौजूद है। अगर हम अमलियात में जाएंगे तो और भी तरीके इस्तखारा के मौजूद हैं जो अमल लोग करते हैं, सूरह मुज़म्मल का भी कर लेते हैं, पता चल जाएगा फर्ज कीजिए अगर प्रॉब्लम है। देखें जाहिर बात है अगर किसी के साथ ये रूहानी मसला चल रहा है, उसके मामला सही नहीं हो रहे, तो अल्लाह ताला से रुजू करके पता कर लें कि प्रॉब्लम राय देंगे अली भाई। ये बिल्कुल, ये सादिया ने जो सवाल किया है कि इसके साथ ये मामलात, पहला मैं इसका औलाद का बताना चाहूँगा कि ये जादू कतई नहीं है, क्योंकि मैंने इसका बैठे बैठे मैंने हिसाब किया है, जादू हरगिज़ नहीं है, ये मेडिकल के मामलात। आपका मतलब है कि इमरान और सादिया का आपने हिसाब किया है? हाँ जी, न्यूमरोलॉजी के जरिए मैंने हिसाब किया है, तो इन दोनों पर ही जादू नहीं है। अगर इनके इनका ये ख्याल है कि किसी खातून ने इनके जादू करवा दिया, इसकी वजह से वो इससे बदज़न है, लेकिन इनके जो खावंद है उनकी जहनी कैफियत इस वक्त दुरुस्त नहीं है, यानी कि वो किसी नफ्सियाती तौर पर किसी डिप्रेशन का शिकार में मुब्तला है बकौल इनके, तो हाँ जी, उसकी नफ्सियाती कैफियत नहीं होगा, नफ्सियाती कैफियत ठीक नहीं है, और इसके ये 4 माह तक इनके आपस में रंजिशें चलती रहेंगी, तो इनको चाहिए कि 4 माह और चलेंगी। हाँ 4 माह और सादिया, 4 माह और रंजिशें चलेंगी। हमारे मेहमान के बारे में मैं वक्फे से आऊँगा, वक्फे से तो आपको तस्बीह भी दूंगा पढ़ने को और राय भी दूंगा। हमारी जो प्यारी बच्ची जो है, जिसने 10 साल हो गए उसकी शादी को और उसकी औलाद नहीं है, सादिया जो बच्ची फ़ोन कर रही थी, सादिया मैं एक बात आपसे ना बड़े अदब के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, जो चीज़ शरीयत के अंदर, शरा के अंदर भी छोड़ दीजिए, जो मज़हब के अंदर या कुरान के अंदर जिन चीज़ों के अहकाम आ गए हों और वो हक हों या हलाल हों, उनके ऊपर अगर आप अपनी तशबीहात जाके लोगों से पूछेंगी तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। अल्लाह ने निकाह जायज़ रखा है, बिल्कुल रखा है, अल्लाह को नापसंद है तलाक, बिल्कुल नापसंद है, लेकिन क्या जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। अगर एक शख्स रखना चाहता है शादी को, निकाह को, या नहीं रखना चाहता, अल्लाह ने उसको उसकी सवाब दीद दी है। इसलिए इन मामलों को अगर जादू टूने में डालोगी तो ये बात जहन में रखना कि अपने रास्ते में तुम नहीं खड़ी, तुम अल्लाह के सामने खड़ी हो, इसलिए तुम्हारे कामों में अल्लाह बरकत नहीं डालेगा। बरकत के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि इन तोहमात से निकलो बाहर, जो अल्लाह के अहकामात हैं उनके ऊपर अपने अजाफी ख्यालात जो हैं ना उनको शामिल करना छोड़ दो। दूसरी बात गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तुम्हें इस बात का इल्म है कि तुम्हें प्रॉब्लम है जो कि तुम बात नहीं बता रही, तुम्हें ओवरी का प्रॉब्लम है, तुम्हारा एग जो है वो स्मॉल साइज है, तुम्हारा एग टाइम पे रिलीज नहीं हो रहा, तुम्हें हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स हैं, और कब से हैं। जब आप वकील से और डॉक्टर से सच को छुपाएंगे तो ना वकील आपकी डिफेंस कर सकता है ना डॉक्टर आपकी डिफेंस कर सकता है। पढ़ने के लिए आयत करीमा है और सजेशन हाईली सजेस्टेड है कि तुम गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो, पहले अपना इलाज करा लो, तुम साहिब औलाद हो गई तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, रुकैया बेटा जी, पुत्र वालेकुम सलाम जी, मेरा बच्चा भाई मैंने बात करनी थी कि आज से 3 साल 2020 की बात है जी। तो कहती है कि मैं आपसे माफी मांगना चाहती है,
मेरे बच्चे दोबारा से बात करना, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आई समझ। नहीं 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 नहीं, कहीं अच्छी जगह पर आओ, आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल गड़बड़ हो रही है। मेरा बेटा तेरा सिग्नल नहीं आ रहा, रुकैया। रुकैया देखो, इतना तुमने होल्ड किया, तुमने कॉल भी किया, और तुम कमरे में बैठ के बात अगर करोगी तो वो ज्यादती है। सिग्नल अपने फ़ोन पे ज़रूर चेक करो और फिर इसके ऊपर बात करते हैं। हुजूर अकदस, जो शरई अहकामात हैं, क्या इनके ऊपर भी इंसान बगावत कर सकता है और इंसान कहे कि मैं इस पर तावीज़ लूँगा ताकि ये शरई हुक्म लागू ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऐसी बगावत करना तो गुनाह है, लेकिन ये हम बगावत करना हमारी फितरत और सरिश्त के अंदर मौजूद है, इसलिए हम बार बार करते हैं। अच्छी बात की है, लेकिन कितनी ख़तरनाक बात की है। है तो ख़तरनाक, हमारी सरिश्त में शामिल, सरिश्त में शामिल है, और इसीलिए हम बार बार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, उस दरख्त के करीब मत जाओ, और वहीं गए। ये हमारी फितरत में है। इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ऐसे काम, ऐसे अफ़ाल, ऐसे अमाल करता भी है, करवाता भी है, और बड़ी बड़ी रकमें लोग खर्च करते हैं। वाह, रुकैया फिर से हमारे साथ हैं। जी रुकैया बेटा। हाँ जी भाई, वो मुझे मेरी सिस्टर माफ़ी मांगना चाह रही थी। मैं कह रही हूँ कि किस बारे में आप माफ़ी मांगना चाह रही हो? तो जब उसने किस, कौन किससे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं? मेरी सिस्टर, मेरी बहन छोटी। अच्छा, तो वो कह रही है कि मैंने आपने ना बहुत ज्यादा तवीज करवाए हैं। अच्छा। मैंने कहा क्यों आपने करवाए हैं, क्यों, किस लिए माफ़ी मांग रही हो? अच्छा। तो कहने बड़ा रो रो के उसने मुझे कहा कि खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, मैंने किसी एसआई से ना आपके लिए तवीज कराया कि आप सोदिया में हो, आपके बेटे हैं, आप वहाँ बहुत खुशहाल हो, मैं तुमसे हसद करती थी बहुत ज्यादा। तो उसने कहा कि मैंने 70,000 तीन मरतबा उसको दे के तो तुम्हारे लिए तवीज कराया कि तुम उजड़ के उठ। तो हम लोग यकीन माने कि 2015 में हम लोग वहां से सोदिया से वापस आए हैं, तो इस कदर हालात मेरे खराब, हम सब कुछ बेचबूझ के वहां गए थे। आप क्यों आए वापस 15 में? 2015 में जिसके साथ मेरे मियाँ काम कर रहे थे ना, तो उन्होंने हमारे साथ ऑर्डर किया, 60-70 लाख उनके पास, हम मेरे कजन ही थे, उनको सारी सैलरीज वगैरह उनको पाना, मेरे हस्बैंड जो थे ना उनको पकड़ाते थे। जब उन्होंने हिसाब किया कि हमारे पैसे वापस दे दें, तो वो साफ मुकर गए कि हमारे पास पैसे है ही नहीं है, मैंने देने ही नहीं है। उसने हमें यानी कि बिल्कुल ऐसे सड़क पे ला के खड़ा कर दिया। जब हम पाकिस्तान वापस आए तो मेरे मियाँ इधर रक्षा चला रहे हैं लाहौर में, मैं किराए के घर पे हूँ। माशाल्लाह से पहले हम बहुत खुशहाल थे, तो अब देखें कि मैं अब बच्चों को कैसे पढ़ा रही हूँ, कैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं, तो मेरे वो हालात। आप लोगों को लगता है कि आपकी बहन ने आप पे तावीज किया तो आप 15 में वापस आ गए, ये फरमा रही हैं आप? हाँ जी, लेकिन मैं नहीं इस वक्त को मानती, मैं कहती हूँ ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है मेरे पे, कभी अल्लाह ताला दे के आजमाता है, कभी वापस ले के। लेकिन उस औरत ने, मेरी बहन ने मुझे ये कहा कि ये सब कुछ मैंने करवाया। बहन का नाम क्या है? ये बहन का नाम उज्मा। उज्मा, उज्मा ने 17,000 रुपया दे के आप पे तावीज करवाए, ये फरमा रही हैं आप? 70,000। ये 70,000 आए कहाँ से उज्मा के पास? उज्मा माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक है, वो अब दुबई में होती है, तो वो मुझे अच्छा खुद दुबई में होती है, और हसद उसको सऊदी अरब से है। वो मैं थी ना सऊदीया में। अच्छा, जब वो नहीं चाहती थी कि आप सऊदीया में रहें? हाँ जी, तो मैं 15 नहीं कराई हूँ वापस। तो आपके कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं। और उज्मा के कितने बच्चे हैं? उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा। माशाल्लाह, और वो राजी नहीं है अपनी बेटियों से, ये फरमा रही हैं आप? अल्लाह जाने क्या मसला है, उसको क्या हसद था, वो कहते थे बाजी मैंने अगर ऐसे किया है मुझे एक मतलब अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। मैंने कहा मेरा भरम ही रहने देती, तुमने मुझे क्यों माफी क्यों मांगी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहनें मुझे मेरे साथ ऐसे कर सकती हैं। मुझे सर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये बात। तो अब कहाँ पे आपकी ये बहन, अब कहाँ पर है? अब वो दुबई चली गई है, तकरीबन 1 साल हुआ है उसको दुबई गए हुए, पहले वो इधर ही थी। तो आपने उसको माफ कर दिया फिर? दिल मांगता नहीं है ना, मैं अभी तक मेरा दिल ही नहीं। आपने नहीं माफ किया? आपने उसके शौहर से, अपने बहनोई से बात की? वो आपकी बीवी करती है? मेरी बेगम ने, उसने कहा मेरी बेगम आपस में, उसने जब मुझसे बात की ना, कहती मैंने अपने मियाँ से कहा कि आपने मुझे मना क्यों नहीं किया, उसका मियाँ कहने लगा तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया जब हम दोनों दिल के ये सारा कुछ करवा रहे थे। शोहर का नाम क्या है उसके, उज्मा के? आपके, उज्मा के मियाँ का नाम है शकील अहमद। शकील,
हाँ जी। और आपके शौहर का नाम क्या है? मेरे शौहर का नाम है ताहिर। ताहिर, अच्छा ज़रा कॉल पर रहना हज़ूर, एक दस पहले तो आप इस पर तजिया फरमाइए ज़रा। बिलाल भाई, सबसे ये तरीक़ाकार के जी किसी ने तवीज़ करवा दिया और तवीज़ से उसका काम रोक दिया या कर दिया, एक बात याद रखिएगा कि लाजमी नहीं तवीज़ करवाने से काम होते हैं या बिगड़ते हैं, बाज़ औक़ात उल्ट भी हो जाते हैं। अच्छा, इसका फ़ैसला अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला कादर मुतलक है, तमाम निज़ाम अल्लाह ताला के, तवीज़ करवाया गया उल्टाया भी जाता है और उसका नहस असर बंदे के करवाने वाले पर भी पड़ सकता है। हुज़ूर एकदस, ये इस केस पर आप ज़रा राय दें। ये इस केस में मेरी राय है कि बेशक वो इन पर जादू वगैरह कराते रहे हैं, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक जादू के असरात ना इस पर हैं ना इसके शोहर पर हैं। ये इनके साथ, इनके शोहर के नाम के साथ जो मैंने हिसाब किया है वो इनके साथ बैड लक है और इसके शोहर के अक्सर नुकसानात होते ही रहते हैं, यानी कि ये 2015 से भी पहले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जादू और टूने से वाकई हादसात होना शुरू हो जाते हैं, इंसान के इर्द गिर्द हादसात होना शुरू हो जाते हैं, कल भी कैफियत बदल जाती हैं, बेशक वो अल्लाह की आजमाइश होता है लेकिन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ये इनके साथ मामला हो, मैं और आजमाइश अल्लाह की हो, देखें जब कोई इंसान किसी बंदे को गोली मारता है, कर गोली कोई मार रहा होता है, मर दूसरा रहा होता है, ये भी अल्लाह की तरफ से होता है। मसाल आपने दी, ये ऐसी ही है। आप ये मसाल यूं दें कि गोली मैंने मारी, रजा अल्लाह की थी, फिर तो मसाल बनती है। फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं, गोली मारने में अल्लाह की रजा शामिल थी। आजमाइश, ये वाला फार्मूला यजीद को बचाने के लिए होता है जी, हर चीज अल्लाह की तरफ। एक मिनट सुन लीजिए, आप यजीद को बीच में ना लेके उस पर लानत डालें, ठीक है। अब बात जो हो रही थी कि गुजारिश ये है कि इस मामलात के ऊपर जब कोई शख्स पत्थर उठाता है ना, पत्थर उठाने तक उसके हाथ में कुदरत होती है, छोड़ने के बाद फैसले जिसके हाथ में होते हैं, इसको कदर और कजा के मुतल्लिक डिस्कस किया जाता है हमारे फिका के अंदर। तो ये मामलात यहाँ पे अभी फौरन डिस्कस, सिर्फ एक जुमले में कि उसने इल्म किया, अदब के साथ। फिका होता है लॉ, लॉ लॉ के अंदर फिलॉसफी कभी नहीं डिस्कस होती है। मंतक है ना ये हमारे, ये मंतक नहीं है, ये मंतक है, ये फलसफा है, दुनिया के सारे फलसफे मंतक से जन्म लेते हैं, मंतक के इस्तखराज की। करो शाजी ना करो ना, ये बहस जब तक नहीं होगी तब तक फलसफे का जन्म नहीं होती। फलसफे में कौन सी मंतक होती है? फलसफे के बगैर अल्फाज, मंतक के बगैर अल्फाज तरतीब ही नहीं पा सकते, लॉ से भी कोई ताल्लुक नहीं होता। अल्फाज होंगे तो बहस होगी, अलग बात बहस होगी तो अलग बात है। मैं आपा से भी ले लूं राय इस पे जी। आपा, आपने भी ये मुकदमा सुना, आप इस पे राय दीजिएगा परवीन आपा। हाँ, इनको चाहिए कि एक दूसरे से लड़ाई ना करें, अपने अल्लाह के आगे झुकें और अपने कामों के लिए अल्लाह से दुआ करें, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी ना करें, ये गुनाह है क्योंकि अल्लाह ही सारे काम करता है। मुझे दे रही हैं या उसको दे रही हैं? जो दोनों किसको राय दे रही हैं? जो दोनों लड़ रहे हैं, लड़ाई ना करें, जो लड़ते हैं उनको कह रही हैं। हाँ। तो सारे ही लड़ते हैं, मियां बीवी कौन से नहीं लड़ते? नहीं तो इनको चाहिए ना, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे तो बच्चे होंगे ना, वैसे कैसे होंगे फिर बच्चे लड़ाई में? तो सही बात है, है ना, सही बात, गुस्सा हो जाएगा। अच्छा, ये बड़े अदब के साथ और बड़ी आजजी के साथ हैं बच्चे आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो जिनका शौहर ताहिर है और रुकैया जिनका शौहर जो है वो शकील है, ये आप दोनों को पता है कि आप दोनों के शौहर आपके नौकर हैं। माफी के साथ और बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत बड़ी एक तोहमत लगाई है, दोनों के नौकर हैं, उन दोनों के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो आपके आगे खड़े हो सके कतई तौर पे। आपका शौहर इसलिए वापस आया क्योंकि वो कारोबारी आदमी है ही नहीं, उससे गप्पें जितनी मर्जी सुन लो, उसका क्या ताल्लुक है कारोबार से? आज उसको को वो रेड़ी लगा के दिखाए मुझे खीरों की, वो रेड़ी पे नहीं बेच सकता कुछ, रक्षा चला रहा है, बस शुक्र अदा करें। ना इसमें जादू, ना इसके अंदर टूना, और शकील जो कह रहा है वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, एब्सोल्युटली दोनों पार्टियों में से एक पार्टी एब्सोल्युटली तोहमत पर है कि ये काम अमल में हुआ भी है। दुबई के अंदर मैं देखूंगा कि कौन पाकिस्तानी है जितना मर्जी अमीर जो मुझे बाबा ढूंढ के दिखाए वहां पे, जो कि 70,000 लेके तो इनका काम करते। भैया दरम और रियाल हैं वहां पे, आप ये करके देखो फिर मैं आपसे पूछूं। इसलिए ये बातें करनी आसान है लेकिन इनको प्रैक्टिकली देखो तो हेट्रेड बिटवीन टू सिस्टर्स, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन यूं तोहमतें लगाना ये नामुनासिब तरीन बात है। इसलिए अपने आप को पहले तो तौबा करके माफ़ी दो और उसके बाद बहन को माफ़ करो, यही सबसे आसान काम है। और अपने शौहरों की अगर कर सको, ये भी अदब में कह रहा हूँ बात, तो एहतराम और इज्जत करना सीखो, अगर वो खुश हैं तो तुम्हारे लिए भी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी। अनहैप्पी मैरिजेस ऑलवेज लैंड अप इनटू सुपरस्टिशंस। हुज़ूर एकदस, जब कोई शख्स तावीज़ लिखता है
सीखने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। वक्फे पे जाऊंगा और वापस आऊंगा, छोटा सा वक्फा, वापस आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, जाते हुए मैं सवाल छोड़ के गया था कि तावीज़ लिखने के लिए बहुत ही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। प्रवीना पा आप साथ हैं, प्रवीना पा ये फरमाइए कि तावीज़ लिखने के लिए कोई ख़ास चीज़ें इस्तेमाल होती हैं या आम कलम पेंसिल से लिखा जा सकता है? नहीं, ज़ाफ़रान को ज़्यादा अहमियत दी जाती है या जर्द रंग को, क्योंकि ज़ाफ़रान से तावीज़ लिखा हुआ पीने में आता है और जो कलम से लिखा जाता है वो पहनने में आता है। तावीज़ पीते भी हैं? हाँ, तावीज़ों को पीते भी हैं ना, उसमें आयतें लिख कर देते हैं, हिंसे भी लिख कर देते हैं और फिर वो ज़ाफ़रान से लिखा जाता है। वाह वाह वाह, ज़ाफ़रान तो अच्छा खासा महंगा होता है। हाँ, और जर्दे का रंग अच्छा, डाल तो कलम इस्तेमाल करते हैं ये? अच्छा, हाँ, जर्दे का रंग ठीक हो गया। अच्छा प्रवीना भाई, ये फरमाइए कि आप फरमा रही थी कि हिंसे साथ लिखने जरूरी होते हैं, ये हिंसे 1, 2, 3, 4 में भी लिखे जा सकते हैं या 1, 2, 3 में ही लिखे जाएंगे, उर्दू में या अरबी में या अंग्रेजी में, इसकी भी कोई कैद है? नहीं, ये हम है ना उर्दू की गिनती में लिखते हैं, जैसे कि इंग्लिश की गिनती में नहीं लिखते। अलिफ लिखेंगे फिर वो है ना एक लिखेंगे फिर दो, वो लिखी जाएगी इस्लामी तरीके जो हमारी गिनती है, अंग्रेजी में नहीं लिखे जाते। ओके ओके ओके, कॉलर है मेरे साथ, पहले इनसे बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम क्वेटा। हाँ वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा जी, मेरी बात अच्छा, मेरी दो औलाद, उस वक्त मेरी कोई औलाद नहीं हुई, इसे तुम्हें पूछना चाहती हूँ, कोई गलती वगैरह से नहीं। बेटा बिल्कुल समझ नहीं आई आप क्या फरमा रही हैं। मैं कह रही हूँ मेरी दो बेटे हुए, उसके बाद फिर मेरे को ये औलाद। आपकी कितनी उम्र है बेटा? जी 35। और शोहर की? शोहर की भी यही उम्र होगी, 35 साल होगी। ये फरमाइए कि आपकी हाइट और वेट कितना है? नॉर्मल है जी, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। कितना मतलब हाइट आपकी? 5.5 है। हाँ, एक है, वेट है सिर्फ 16। 16? 60 के जी? जी 60। और हाइट कितनी है आपकी? ये मेरे कभी नहीं है। ओके ओके, आपके शोहर का नाम? अच्छा नाम नहीं आप बता ना सकते। हुजूर अकदस वो कह रही है कि बेटियों के बाद मेरी कोई और औलाद नहीं हुई, उम्र 35 साल है, मियां बीवी की दोनों, क्या करें क्या पढ़ें? देखिए बात तो तावीज़ात पे हो रही है कि तावीज़ात से ही अगर इनका इलाज किया जाए। बिल्कुल, तो मैं इनको सजेशन दे दूंगा कि वो पुराने जो है ना चीनी की प्लेटें मिलती होती थी। जी बिल्कुल ठीक है, चाइना की वो, जिसके ऊपर कुछ जी, लिखा जा सकता है। जी बिल्कुल, ज़ाफ़रान और अरके गुलाब मिक्स करके, गुलाब और खुद ज़ाफ़रान, क्या बात है। ठीक है, उनको मिक्स करके उससे सूरह फातिहा लिखी जाए, उस पे प्लेट पे 11 प्लेटों पे अलग-अलग सूरह फातिहा लिख दी जाए, सुबह निहार मुंह उन प्लेटों में पानी डाल के उस पानी को पी लिया जाए। हाय हाय हाय, क्या रोमांटिक किस्म का इलाज बताया खुदा की कसम, वाह वाह। और क्योंकि सूरह फातिहा में भी शफा है, अरके गुलाब में भी शफा है, ज़ाफ़रान में भी, तो इन तीनों के जो कम्बिनेशन से जो, और इसमें अगर और ज्यादा असर बढ़ाना है तो उसके ऊपर 41 मरतबा सूरह फातिहा उस प्लेट के ऊपर पढ़ भी जाए, और अगर ये अमल 3 मरतबा 3 तरतीब से कर लिया जाए 11 दिन के बाद, फिर गैप दे के फिर 11 दिन फिर गैप दे के, बड़ा मुजरब तरीन अमल है, कम बताते हैं लोग। वाह 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 वाह, जनाब अली हुजूर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसके यहाँ औलाद ना होती उसको चाहिए कि कसरत से अस्तगफार पढ़े और इसके साथ दूध में शहद मिलाकर पिए, और मुर्गी का अंडा जैतून के तेल में फ्राई करे, प्याजों के साथ बनाकर पका कर खाए, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। बताइएगा बस, ठीक है जो इन्होंने बता दिया आप बात कर रहे हैं, तो कोई ना, कोई तो पढ़ने के लिए कुछ तो बताएंगे ना। पढ़ने के लिए ये पढ़ा करें कि या वारिसु या मुसव्विरु या खालिकु, ये अल्लाह के तीन नाम, वारिसु या मुसव्विरु या खालिकु, ये तीन लफ्ज़ पढ़ा तीन अल्लाह के। मेरी प्यारी बहन क्वेटा से जो फ़ोन कर रही हैं, आपकी उम्र है 35 साल,
اور یہ اچھی عمر ہے, دو بچیاں آپ کی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن میرے خیال کے اندر اگر آپ غور فرمائیے تو جو پولیسسٹک اووری کا ایشو ہے آپ کو, وہ بڑا پرولونگڈ ہے, اینڈ یو شوڈ کنسلٹ اے ڈاکٹر آن دس. اور اگر آپ اس وقت بغیر میڈیکل انٹروینشن کے آگے جائیں گی تو تھوڑی سی ڈفیکلٹی ہوگی, اور اس انٹروینشن کے لیے آپ کو کنسلٹیشن چاہیے ہی ہوگی. اسی لیے میں آپ کو بار بار پوچھ رہا تھا کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے. یو اب یہ 60 kg جب آپ فرما رہی ہیں تو لیٹ سے کہ یہ تقریباً 130-135 pounds کے قریب بنتا ہے, لیکن ڈپینڈز اپون کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی ہائٹ لمبی ہے, اس لیے کنسلٹ ضرور کرنا اور پولیسسٹک اووری کا ڈاکٹر سے ذکر کرنا, اس کو الیمینیٹ کرنا اور پھر آگے علاج کی طرف جانا. حضور اقدس, لکھنے کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ تعویذ کن چیزوں سے لکھا جاتا ہے؟ جو ہم شفا کے لیے تعویذ لکھتے ہیں ان کو ہم عرقِ گلاب سے, آب زمزم سے, آب زمزم کی سیاہی بنا کر زعفران سے اور خوشبو سے عرقِ گلاب, آب زمزم میں جو ہے وہ گلاب کے پھول کے 2-3 قطرے ڈالتے ہیں اور اس سے جو لکھتے ہیں اس سے اس کی تاثیر میں بہت اضافہ. کیا بات ہے نازیہ, السلام علیکم بیٹا. جی پتر. انکل جی, وہ نا ہمارے نا گھر میں نا کافی پرابلم ہے, مطلب نا ہم 4 بہنیں ہیں, 2 بھائی ہیں, 1 بھائی میرا بلائنڈ ہے. اچھا. میرے بابا نا مستری, مطلب نا یہ گھر بناتے ہیں نا. اچھا بیٹا. کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں. اچھا. میرے مطلب نا الحمدللہ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے, ٹھیک ہے. اب ماشاء اللہ ساری فیملی, سارے بہن بھائی بڑے ہیں, تو اب بھائی نے, مطلب بھائی میرے نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے, اس کا بھی کوئی مطلب کام, کوئی جاب نہیں, کسی کو بھی نہیں. گھر میں ٹیوشن سینٹر بنایا تھا, گھر میں بچے آنے لگے, اب ایک دم سے وہ بھی آنا بند ہو گئے. میں نے پارلر کا سیکھا, وہ بھی بند, کام چلتے چلتے نا بند. کووڈ کی وجہ ہوگی نا انکل. اور نا گھر میں نا فیل ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی ہے, اور نا بلڈ گرتا ہے اور زرد کلر کے چھینٹے آتے ہیں. بلڈ کہاں گرتا ہے بیٹا؟ مطلب نا پیس آتے ہیں گھر میں, پتہ ہی نہیں ہوتا اکثر ان کے پیس پڑے ہوتے ہیں. دوسرے گھر چلے گئے, مویشی رکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی یہی حال ہے انکل, بڑی ٹینشن سی ہے. بیٹا وہ مجھے بتا تو دو نا, پیس کس چیز کے؟ گوشت کے پیس؟ ہاں جی گوشت کے پیس ہوتے ہیں. اور یہ خون کس جگہ آتا ہے؟ دیواروں پہ, فرش پہ؟ دیواروں پہ بھی اکثر ہوتا ہے, کبھی صحن میں چھینٹے گرے ہوتے ہیں, جانوروں پہ بھی ہوتے ہیں. جانوروں پہ بھی چھینٹے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈالتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کوئی جنات ہیں؟ یہ تو انکل پتا نہیں, لیکن انکل تعویذ بھی نکلتے ہیں گھر سے. اور ہم نا کس جگہ سے نکلتے ہیں تعویذ؟ میں ایک دن تو میری پارلر کی چیئر سے بھی نکلا ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے, تو جو آنے والی وہاں پہ رکھ کے بھول گئی ہوگی انکل. ہمارے گرل ایسے نہیں ہے نا, کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے. اور ہم کبھی گئے نہیں, میری مما نا باہر نہیں جا سکتی, وہ بیمار ہے. ماں میں کبھی ایسے ہم لوگ گھر میں کبھی کوئی. اما کو کیا بیماری ہے بیٹا؟ کیا اما کیوں نہیں جا سکتی, کیا بیماری ہے؟ میری مما نا بیمار ہے, وہ نا چل نہیں سکتی. چل نہیں سکتی؟ نہیں. کیا وجہ اس کی؟ جی وہ ان کی نا ٹانگ کا مسئلہ تھا نا, تو کچھ اوور مطلب ویٹ بھی ان کا کافی زیادہ ہے, تو وہ نہیں چل سکتی, صرف کمرے سے واش روم, واش روم سے کمرے تک. ٹھیک ٹھیک. اور ابھی کل نا گائے, مطلب دودھ دے رہی ہے نا گائے, وہ دودھ کی جگہ خون آ رہا ہے, مطلب یہ سوچ لیں کہ اس حد تک بات آ چکی ہے اور بڑی پریشانی سی ہے. تم نے کسی مطلب وہ ڈاکٹر سے نہیں مشورہ کیا, وہ جو ویٹنری ڈاکٹرز ہوتے ہیں؟ نہیں انکل, ڈاکٹر سے کیا, بابا لے کے آئے ہیں, ڈاکٹر کو چیک کروایا, وہ کہتے ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہی ہو کیا رہا. تو ڈاکٹر بدلو نا جس کی سمجھ سے باہر ہے, وہ ویٹنری ڈاکٹر نہیں ہوگا. نہیں نہیں, وہ ڈاکٹر جنرلوں کا ہی تھا انکل. وہ تو میں جس سب کو بتا رہی ہوں نا کہ ایسے بھی ہوا ہے, اور گھر میں بھی مختلف قسم کے واقعات. بیٹا جانور عام طور پہ خون بلیڈ کر دیتے ہیں, تمہیں پتا ہے دودھ میں پس بھی ہوتی ہے, دودھ میں بلڈ بھی آتا ہے, وہ انفیکشس ہوتا ہے. چلے انکل وہ ٹھیک ہے, لیکن جیسے بابا کام کرتے ہیں کہیں پہ بھی کریں گے, وہ پیسے نہیں دیں گے. ہم میرا کام اتنا اچھا چل رہا تھا, میرا بند ہو گیا, سسٹر کا بند, مطلب جیسے نا چلتے چلتے چیز بند ہو جاتی ہے. اچھا میری بیٹی یہ بتاؤ کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ اسلم. اسلم نام ہے. اچھا غور سے ذرا سننا حضور اکبر, اسلم کا آپ نے ان کی بیٹی کا, نازیہ کا یہ سارا مقدمہ سن لیا, آپ اس پہ رائے دیجیے. جانوروں میں سے خون, تھنوں میں سے, چھوٹے سے عمل سے ٹھیک ہو جائے گا. انہیں چاہیے کہ گھروں کے گھر کے چاروں کونوں میں فلق اور ناس اور آیت الکرسی پڑھیں, اور چاروں کونوں میں کھڑے ہو کے, کھڑے ہو کر, اور تھوڑی سی سرخ مرچ ہوتی ہے. اور کیا چیز؟ سرخ مرچ. سرخ مرچ, مرچ ہوتی ہے جو خشک ہو جائے نا, چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں, تو انہیں ساتھ لیں, ان کے اوپر فلق اور ناس اور سورہ احزاب کی پہلی 10 آیتیں پڑھیں. اب جو ان کا جانور ہے اس کے اوپر سے
جو ہے سات چکر لگائیں, ہاں جی کلاک وائز, اس کے بعد اسے جلا جس طرح طواف کرتے ہیں, ہاں جی ٹھیک جلا دیں, جانور بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اب اور گھر کے اندر تاثیرات, اگلی بات بھی تو بتائیں نا, جلائیں جب پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے تو وہ جل جائیں گے, جانور بھی ٹھیک ہو جائیں گے, تاثیرات بھی چلی جائیں گے. اگر وہ جلنے کے بعد اگر ہمک آئی ان میں سے تیز تو ہے, تو ہے, اگر ہمک نہ آئی تو نہیں ہے. یہ بھی تو بتائیں نا, روٹین ہے نا, تو روٹین ایسا ہی ہے نا, تو اس لیے یہ کریں. اور آپ حضور تعویذات کی بات کریں, یہ آپ کو ٹاپک کنٹینیو رکھنا پڑے گا, بہت سی باتیں ابھی ادھوری ہیں. جی آپ ہمارے چشتی صاحب نے کہہ دیا کہ اس بات کو کنٹینیو کرنا پڑے گا, اور اس وعدے کے ساتھ کہ اس بات کو ضرور کنٹینیو کریں گے. بالکل وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, میں تمام لوگوں کا بہت ہی زیادہ ممنون ہوں, اور اس بات کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کو کنٹینیو ضرور کریں گے. سمجھنے کی کوشش, اگر آپ کو یقین ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے, لیکن یہ بات پکی ہے کہ ہمارے مہمانوں کے پاس کہنے کو علمی طور پہ اور آپ کی زندگیوں میں ایک شمولیت کرنے کا جو راز ہے وہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.